Utulante, med show Nanante, med Pyar to Pesh Tamar Saman, aaj vishesh, aaj hum pashakunu, Lakshman Singh Jangpangi ji ke baare mein. Lakshman Singh Jangpangi ji pehle vyakti hue hamare samaj se jinko Padma Shri Award se sammanit kiya gaya. वो हमारे समाज से ही नहीं पूरे कुमाऊं मंडल के पहले व्यक्ति हुए जिनको पद्मश्री पदक से भारत सरकार ने सम्मानित किया. एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी के लिए. अब मैं बताना चाहूंगा लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी के बारे में. लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी का जन्म 24 जुलाई 1905 को जोहार के बुरफु गांव में हुआ. उनके पिताजी सुबन सिंह जंगपांगी जी, जिनको ब्रिटिशर्स ने राय साहब की उपाधि दी थी. यही नहीं, लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी के दादाजी फनु जंगपांगी, उनको भी ब्रिटिशर्स ने एक चाकू, एक पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया था. तो ऐसे घराने में जन्मे लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी को कुछ तो करना ही था. तो प्रारंभिक शिक्षा उनकी जो है बुरफु गांव में हुई. राधी में भी पढ़ाई किया उन्होंने, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से किया? अल्मोड़ा से किया. और बीए की पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद से किया. 1930 में उनकी नियुक्ति ब्रिटिश ट्रेड एजेंसी गर्तोक पश्चिमी तिब्बत लेखागार पद पर उनकी नियुक्ति हुई. ही वॉज सेकेंड इन कमांड, सो ही टुक हिज असाइनमेंट वेरी सिंसियरली. बहुत गंभीरता से हर कार्य करने लगे. उनकी कार्यशैली को देखते हुए 1941-42 में उनको अस्थायी तौर पर पदोन्नति दिया गया ट्रेड एजेंट के रूप में, और 1946 में स्थायी तौर पर ट्रेड एजेंट के रूप में उनको पदोन्नति मिली. फिर वो रिटायरमेंट तक इसी पद पर बने रहे. 1952 में उन्होंने भारत सरकार को अवगत करा दिया था कि चीन अक्साई चीन में रोड निर्माण कर रही है. ऐसे में भारत सरकार ने तब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया. जब एक दो साल में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब लगा यस, जो श्री लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी ने बात बताई उसको गंभीरता से लेना चाहिए. और 1956 में विशेष अधिकारी सीमान क्षेत्र के भारत सरकार के एस के रॉय भ्रमण में गए देखने तिब्बत. श्री लक्ष्मण सिंह जंगपांगी के साथ वो तकलाकोट, दरचिन, ज्ञानिमा, गर्तोक मंडियों में गए. जब वहां से वो सिपकी शिमला पास से लौटकर शिमला पहुंचे, तब उन्होंने लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी को कहा, क्या बात है, आप लोग तो सुपरमैन हो. किस तरह से, किस हालात में आप लोग तिब्बत में कार्य करते हो. वाकई श्री लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी ने निस्वार्थ भाव से, कर्मठता से अपने कार्य को अंजाम दिया, और यही वजह है जिस वजह से उनको 1959 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा. 8 अप्रैल 1959 ही वॉज अवार्डेड विद द 4th हाइस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, पद्मश्री, बाय देन प्रेसिडेंट. एक बार जोरदार तालियां. आफ्टर दैट ही गॉट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55 इन 1960, बट Indian government gave some extension for 2 years, and finally he got retired in the year 1962 and settled down in
हल्द्वानी। जिन्होंने फिर हमारे सोसाइटी समाज के लिए भी अपना समय निकाला और फाइनली 1976 में एट द एज ऑफ 71 ही डाइड। वी लॉस्ट अ ग्रेट पर्सनैलिटी बट उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, तो आज हम ज़रूर उनको मिस कर रहे हैं, बट द पर्सन हु हैज़ गिवन अ लॉट टू द सोसाइटी टू द नेशन, सैल्यूट टू लक्ष्मण सिंह चंद्रपाल। तो कसले भल लगी, तो इसी तरह से हम चेचवा चैनल में जोहर मुंशारी की बातें करते रहेंगे। तो की गलती मदगर चेचवा।